सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग बाय रंगरेज चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय रंगरेज। आज की इस वीडियो में हम 3 से 4 साल के बच्चे के लिए वी शेप जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। जैकेट बनाने के लिए मैंने जीन्स का फैब्रिक लिया हुआ है, जिसमें से मैंने ये 2 पीस निकाले हैं जिसकी लंबाई 18 इंच है और चौड़ाई 10 इंच है। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर आगे की तरफ मार्क लगा लूँगी और इस मार्क को मैं इस तरीके से सीधा कर लूँगी। अब यहाँ इस तरीके से मार्क लगाकर कपड़े को सीधा कर लेना है और यहाँ पर 5 इंच पर शोल्डर का मार्क लगा लेना है। यहाँ चेस्ट के चौथे हिस्से में 1/2 इंच माइनस करके 6 इंच पर मार्क लगाना है। यहाँ चेस्ट का चौथा हिस्सा 5.5 इंच है, तो मैं यहाँ 1.5 इंच प्लस करके 8 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पर 7.5 इंच पर और यहाँ पर 8 इंच पर, और इस तरीके से गोलाई देते हुए तीनों मार्क को मिला लेना है। यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन का मार्क लगाना है, यहाँ 1/2 इंच अंदर की तरफ, और इस तरीके से दोनों मार्क को मिलाते हुए गोलाई दे देना है। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई के लिए 2 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ पर हमें 7 इंच पर मार्क लगाना है। आप चाहे तो इस तरीके से सीधा वी मार्क दे सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क लगा रही हूँ। अब इन दोनों मार्क को भी इस तरीके से मिला लेना है। पहले हमें इस मार्क को छोड़ते हुए यहाँ पर फिटिंग का मार्क लगा लेना है। यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्क लगाना है और यहाँ पर भी 2.5 इंच पर एक मार्क लगाना है। यहाँ पर 2 इंच पर मार्क लगाना है और इन दोनों मार्क को इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से भी इस मार्क को इससे मिला लेना है। अब इस मार्क को हमें इस तरीके से ऊपर तक ले जाना है, इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए, ये जैकेट के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हमने एक कपड़े का पीस लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई फ्रंट पार्ट से 2 इंच कम ली हुई है। तो पहले हमें इस तरीके से फ्रंट पार्ट को इस पर रखना है और यहाँ आगे की तरफ से हमें इसे 2 इंच फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा करते हुए 5 इंच शोल्डर के लिए मार्क लगाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ फ्रंट पार्ट को रखना है और 1.5 इंच नीचे की तरफ इस तरीके से मार्क लगा लेना है। यहाँ पर 5 इंच पर मार्क लगाना है और इन दोनों मार्क को मिलाकर यहाँ पर गोलाई दे देना है। यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क लगाना है, यहाँ 2 इंच पर, और इन दोनों मार्क को मिला लेना है। यहाँ 1 इंच पर नीचे की तरफ मार्क लगा कर और इस तरीके से गोलाई दे देना है। अब यहाँ पर हमें मार्क लगाना है और इस तरीके से इस मार्क को सीधा कर लेना है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम जैकेट के लिए लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया हुआ है और इसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से जैकेट का एक पीस इसके ऊपर रख कर और इस तरीके से हमें मार्क लगा लेना है। बिल्कुल एक बराबर मार्क लगाना है हमें, ताकि हमारे जैकेट की और लाइनिंग की दोनों की एक बराबर ही कटिंग हो, इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये लाइनिंग के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसी तरीके से डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रख लेना है और इस पर मेन फैब्रिक को रख कर और इस पर मार्क लगा लेना है।
अब इसकी भी हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये जैकेट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने फ्रंट के दोनों पार्ट ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमें मार्क लगाना है। एक पार्ट पर इस तरीके से शोल्डर की तरफ से 6 इंच नीचे की तरफ एक मार्क लगाना है और यहाँ पर नीचे से ऊपर 6 इंच पर एक और मार्क लगाना है और यहाँ से आगे की तरफ से 3.5-3 इंच पर दोनों तरफ मार्क लगाकर और यहाँ पर भी 3.5 इंच पर मार्क लगाकर इसे सीधा कर लेना है और यहाँ ऊपर वाले मार्क पर 3 इंच पर मार्क लगाना है इस तरीके से। अब इन दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से हमें रख लेना है और यहाँ ऊपर की तरफ हम एक ही पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से टैप करना है और ये देखिए दूसरी तरफ भी मार्क लग गया है। अब इस मार्क को हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे और सेम वैसा ही मार्क हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। जो दो मार्क हमने लगाए हैं यहाँ पर हम फ्लैप अटैच करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर ये दो पीस लिए हैं। इसकी लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई 3.5 इंच है। इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेना है हमें और यहाँ फ्लैप की चौड़ाई के लिए मार्क लगाना है 2 इंच पर और इसकी लंबाई का 2.5 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ पर भी 2 इंच पर मार्क लगाकर इस तरीके से तिरछा मार्क लगा लेना है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको इस पर रख कर और इस पर इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी 3.5 इंच की चौड़ाई तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोनों पर ही हमें एक बराबर इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। अब हमें इसके कोनों पर इस तरीके से कट लगा लेना है और इसे सीधा कर लेना है और किच्ची की सहायता से इसकी नोक निकाल देना है इस तरीके से। अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा देना है। देखिए एक फ्लैप हमारी बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम दोनों फ्लैप को तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों फ्लैप हमारी तैयार है। अब हमने जो मार्क लगाया है हम वहाँ पर इसे अटैच करेंगे। देखिए इन दोनों फ्लैप को हमें इस तरीके से मार्क के बराबर इस तरीके से रख लेना है। और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देना है यहाँ पर। और इसके ऊपर भी हमें इस तरीके से सिलाई लगा देना है। अब इसे भी हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे। ये देखिए दोनों फ्लैप हमारी अटैच हो गई है। अब इस वाले मार्कअप पर हम पॉकेट बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों एक बराबर के पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है और इसकी लंबाई 4 इंच है। अब इस तरीके से हमें दोनों ही पीस को रख लेना है
और इस पर हमें मार्क लगाना है इस तरीके से, दोनों पीस पर मार्क लगा लेना है। अब इन दोनों मार्क पर हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। दोनों पीस पर हमें सिलाई मार्क से ही शुरू कर और मार्क पर ही ख़त्म करना है और दोनों पीस पर एक बराबर ही सिलाई हमारी आना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से दोनों पीस पर एक बराबर सिलाई आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो मार्क है हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। हमें पूरे मार्क को कट नहीं करना है, हम यहाँ पर पहले एक मार्क लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जो हमारे मार्क की नोक है वो पूरी हमने जो सिलाई ख़त्म करी है वहाँ तक जानी चाहिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपको कटिंग करना है। देखिए जहाँ सिलाई हमारी ख़त्म है वहाँ तक हमें कट लगाना है इस तरीके से। इस तरफ भी हम इसी तरीके से कट लगा लेंगे। बिल्कुल ध्यान से आपको कट लगाना है, सिलाई से बिल्कुल भी ज़्यादा हमारा कट जो है लगना नहीं चाहिए इस तरीके से। अब हम इसको दोनों पीस को उल्टी तरफ पलट देंगे इस तरीके से। ये देखिए देखिए इसके अंदर भी हम एक और पीस लगाएंगे पॉकेट के अंदर। तो उसके लिए हम एक और पीस लेंगे और इस तरीके से इसको डबल करके और इसके अंदर इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे यहाँ पर। अब इसके तीनों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है। अगर आप जैकेट पर पॉकेट नहीं लगाना चाहते हो और आप सादा बनाना चाहते हो तो आप सिंपल भी जैकेट बना सकते हैं विदाउट पॉकेट का, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ कपड़े को सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाना है। ये देखिए ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार है। अब इस तरीके से आपको इस कपड़े को नीचे की तरफ कर लेना है। ये देखिए हमारी पॉकेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है। अब यहाँ पर पॉकेट की उल्टी तरफ इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है। इस तरीके से हमें तीनों तरफ सिलाई लगा देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब फ्रंट के दोनों पार्ट ले लेना है और बैक पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रखकर और शोल्डर जॉइंट कर देना है।
अब हमें लाइनिंग फैब्रिक ले लेना है और इसे भी इसी तरीके से हमें रखकर और इसके भी शोल्डर ज्वाइन कर देना है। तो पहले हमें मेन फैब्रिक को सीधा रख लेना है और उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा रख लेना है। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है आर्म होल की तरफ आधा आधा इंच की दूरी पर। और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से आधा आधा इंच की दूरी पर एक बराबर सिलाई लगाते हुए सारी तरफ सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारी तरफ सिलाई लगा ली है बिल्कुल एक बराबर। अब यहाँ पर हमें कट लगाना है सारी ही तरफ और जहाँ हमारी नोक है सिलाई की वहाँ पर हमें इस तरीके से कपड़े को कट कर देना है। बाकी सारी तरफ हमें इस तरीके से कट लगा देना है। अब यहाँ आर्म होल पर भी इसी तरीके से हमें सारी तरफ कट लगा देना है। कट लगाने के बाद हमें इसे पलट देना है यहाँ से शोल्डर की तरफ से इस तरीके से इसे हमें पलट देना है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से पलट कर सीधा कर लेना है। अब ये देखिए हम जहाँ इसकी नोक है वहाँ पर कैंची की सहायता से उसकी नोक निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने प्रेस करके इसको जमा दिया है। अब इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर इस तरीके से रख लेना है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के आर्म होल को एक बराबर मिला लेना है। यहाँ जो कपड़े के चार पीस है उसमें से हमें तीन पीस को ले लेना है और बैक पार्ट का जो लाइनिंग वाला पीस है उसे हमें छोड़ देना है और यहाँ पर पिन लगा देना है। इस तरफ भी तीन पीस को ले लेना है और बैक पार्ट के लाइनिंग वाले पीस को हमें छोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमें इस तरीके से पकड़कर आगे की तरफ कर लेना है और यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगा देना है। आपको पहले अच्छे से आर्म होल को इस तरीके से मिला लेना है एक बराबर और फिर आपको इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देना है और इस तरफ भी हमें इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा देना है। देखिए मैंने फिटिंग लगा दी है। अब यहाँ से इस तरीके से जैकेट को अंदर की तरफ करते हुए और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करना है। यहाँ दोनों तरफ हमें सिलाई लगा देना है और इतना बीच का हिस्सा हमें छोड़ देना है। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ से ये खुला हुआ हिस्सा है। यहाँ से हमें जैकेट को इस तरीके से पलट देना है। ये देखिए इस तरीके से पूरे जैकेट को हमें सीधा कर लेना है। अब ये देखिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जैकेट की सारी तरफ तो यहाँ से भी हम इसे कवर कर देंगे। तो कहीं से भी आप सिलाई शुरू कर लें यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस तरीके से सारी तरफ हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। ये देखिए यहाँ से इसको कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए सारी तरफ सिलाई लगा देना है
और यहाँ पर भी आर्म होल के ऊपर दोनों तरफ सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जैकेट बनकर तैयार हुआ है और इसकी मैंने पेंट भी तैयार की हुई है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, वहाँ से देख ले। और ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा जैकेट बन गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।